नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज, आप देख रहे हैं सक्सेना टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बरेली काली बरेली के यूजी के नए एडमिशन की। फर्स्ट मेरिट कट ऑफ जारी हो गई है। सो अगर आप लोगों ने भी बरेली काली बरेली में बीबीए बीसीए एंड बीकॉम ऑनर्स के लिए आवेदन किया था तो आपकी फर्स्ट मेरिट कट ऑफ आज के दिन लग गई है। और अगर आपका भी फर्स्ट मेरिट कट ऑफ में नाम आ गया है तो किस प्रकार से आप लोग अपनी कट ऑफ को चेक करेंगे, और यदि आपका भी नाम आ गया है तो किस प्रकार से आप अपना एडमिशन लेंगे। और जिन स्टूडेंट का यहां पर फर्स्ट मेरिट कट ऑफ में नाम नहीं आया है उनके लिए सेकंड मेरिट कट ऑफ कब लगेगी। साथ ही में काफी स्टूडेंट ये कंफ्यूज हैं क्योंकि बरेली कॉलेज बरेली की हर बार जो मेरिट जारी होती है वो यहां पर इंडेक्स मेरिट जारी होती है। ऐसे में काफी स्टूडेंट अपनी इंटर की मेरिट से कंपेयर कर रहे हैं, हाई स्कूल की मेरिट से कंपेयर कर रहे हैं, तो उनकी यहाँ पर मेरिट कम है या फिर ज्यादा है तब भी उनका यहाँ पर नाम नहीं आया है। तो ऐसे में आपको ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि आखिर इंडेक्स मेरिट होती क्या है। तो ये अपनी खुद की जानने के लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर आप लोग ये वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे, पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी अपना बीबीए बीसी एंड बीकॉम ऑनर्स की फर्स्ट मेरिट कट ऑफ को चेक कर पाएंगे, और साथ ही में आप लोग खुद से अपनी पर्सनली ही जान पाएंगे कि इंडेक्स मेरिट आपकी कितनी है। उस इंडेक्स मेरिट के हिसाब से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या फिर आपका थर्ड में आएगा। तो सबसे पहले बीबीए बीसी एंड बीकॉम ऑनर्स की फर्स्ट मेरिट कट ऑफ को चेक करने के लिए आपको डायरेक्टली आना होगा बरेली कॉलेज बरेली की ऑफिशियल वेबसाइट पर। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली यहां पर आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद इनकी मेनू बार में आएंगे, यहां पर आपको एडमिशन का एक ऑप्शन देखने को मिला है। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको पहले नंबर पर एक ऑप्शन और देखने को मिला है कट ऑफ का, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं बीसीए फर्स्ट ईयर कट ऑफ, यहां पर देखिएगा बीबीए फर्स्ट सेम कट ऑफ, और यहां पर बीकॉम फर्स्ट सेम कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है। कोई भी कट ऑफ को चेक करने के लिए आपको उस पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद आपको पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर बीसीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है, और ये कट ऑफ आज के दिन जारी की है। सेशन देखिएगा 2023-24 का है, और यहाँ पर देख सकते हैं जो इनकी इंडेक्स मेरिट कट ऑफ जो गई है वो यहाँ पर 92.274 से लेकर 78.119 तक फर्स्ट मेरिट कट ऑफ गई है। अब इस बीच में जिन स्टूडेंट का यहाँ पर नाम आया है वो स्टूडेंट अपना एडमिशन फर्स्ट सेम में ले सकते हैं। इस हिसाब से आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये मैंने बीबीए की फर्स्ट मेरिट कट ऑफ ओपन कर रखी है, और यहां पे बीबीए फर्स्ट सेम की और 2023-24 सेशन की देखने को मिल रही है। इसके बाद इनकी इंडेक्स देखिएगा 94.980 से लेकर 75.301 तक गई है। इसी हिसाब से आप लोग यहां पर देख सकते हैं बीकॉम ऑनर्स की जो फर्स्ट मेरिट कट ऑफ है वो मैंने यहां पर ओपन कर रखी है, तो इसकी यहां पर जो गई है 96.79 से लेकर 92.62 तक यहां पर गई है। आप लोग को बता दें ये तीनों कोर्स की जो फर्स्ट मेरिट कट ऑफ है वो यहां पर ओपन गई है। अगर आप लोग जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी की भी कास्ट से हो सबकी यहां पर सेम है, तो आपको कंफ्यूजन होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब काफी लोग ये सोच रहेंगे कि ये आखिर इंडेक्स मेरिट क्या होती है। इंडेक्स मेरिट जानने के लिए आपको फिर से आना होगा बरेली कॉलेज बरेली की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहां पर आएंगे तो आपको इनकी एक वेबसाइट और देखने को मिलेगी जिस वेबसाइट के माध्यम से अपना एडमिशन फॉर्म को फिलअप किया था। तो यहां पर आपको एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद हम आ चुके हैं इनकी एडमिशन वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली यहां पर आ सकते हैं। और यहां पर आने के बाद आपको डायरेक्टली आना होगा एप्लीकेशन लॉगिन, इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है, जैसा कि आपने किस कोर्स के लिए आवेदन किया था। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आधार नंबर कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और लॉगिन करने के तुरंत बाद ही आपके सामने कुछ इस तरह का आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम देखने को मिलेगा, और साथ में इस वाले लिंक पे क्लिक करके अपना एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर इसकी इंडेक्स मेरिट देखने को मिलेगी, जैसा कि यहाँ पर आपको अपना नाम मिलेगा, फादर नेम देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको अपना कोर्स देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको मेरिट इंडेक्स देखने को मिलेगी। इसी मेरिट इंडेक्स के आधार पर आप लोग अपनी मैच कर सकते हैं
कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है या फिर नहीं आया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर बीसीए के लिए आवेदन किया था और मेरी जहाँ पर जो 92 से जो गिरी है लास्ट, वो यहाँ पर 78.119 तक गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी 57 है, तो यहाँ पर मेरा इसमें नहीं आया है। इस हिसाब से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बीबीए का स्टूडेंट हूँ, तो मेरी जो लास्ट मेरिट कट ऑफ गिरी है वो 75.301 तक गिरी है और मेरी इंडेक्स यहाँ पर केवल 57 पॉइंट है, तो मेरा यहाँ पर बीबीए में भी नहीं आया। इसी हिसाब से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने बीकॉम ऑनर्स की ओपन कर रखी है और बीकॉम ऑनर्स में जो फर्स्ट मेरिट कट ऑफ गिरी है वो यहाँ पर 82.62 तक गिरी है और मेरी इंडेक्स यहाँ पर 57 पॉइंट है। तो यहां पर मेरा तीनों कोर्स में एक हिसाब से यहां पर नाम नहीं आया है। और यदि आपका यहां पर नाम आ जाता है, इंडेक्स मैच होती है, तो दोस्तों आप लोग अपना एडमिशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म में अप्लाई करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और अपना फी पेमेंट कर देना है। तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पर एक चीज और समझ सकते हैं, जैसा कि मेरी 57 पॉइंट यहाँ पर इंडेक्स बैठी है और यहाँ पर जो इस समय लगी हुई है वो लास्ट 82 पे लगी है और इसमें 75 लगी है और इसमें दोस्तों यहाँ पर 78 लगी है। तो इस हिसाब से मैं अप्रोक्स लगा सकता हूँ, मेरी 20% अगर घटती है तो मेरा यहाँ पर सेकेंड या फिर फोर्थ या फिर फिफ्थ मेरिट लिस्ट में नाम आता है, अगर सीटें बचती हैं तो। तो इस हिसाब से आप लोग अनुमान ये भी लगा सकते हैं कि 20% गिरने का मतलब बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी 2-4-5% है कम, तो आपका नंबर आ जाएगा तीसरी चौथी लिस्ट में। बाकी अगर आपकी 20-25-30% कम है तो आपको थोड़ा चांस नंबर आने के कम है, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो फाइनली कुछ इसी तरह से आप लोग यूजी के नए एडमिशन की फर्स्ट मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है इंडेक्स मेरिट को लेकर, तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, अपने अदर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अनुज आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।